हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी शादी को अभी 5 महीने हुए थे। एक दिन मेरे पति ऋतिक का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पूरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और डॉक्टर की कड़ी मेहनत की वजह से मेरे पति 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिससे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टर मेरे पति से बोले कि तुम अभी अपनी पत्नी के से वो सब मत करना, मैं एक पत्नी में जो कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरे साथ एक लड़का भी जॉब करता था जिसका नाम ऋतिक है। हम दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कुछ सोचा नहीं था आगे अभी क्या करना है। लेकिन ऋतिक काफ़ी दिनों से शादी के लिए कह रहा था। मैंने कहा ठीक है बाबा, कर लेंगे, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। ऐसा करते करते हमारे रिलेशन को 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। ऋतिक के पापा गांव में रहते थे, मेरे कोई नहीं है। मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं अपने मामा मामी के पास रहती थी। जब से अच्छी नौकरी लगी है मैंने अच्छा सा घर ले लिया है और मैं वहीं घर में रहती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी शादी के बारे में, लेकिन अगर इस तरह से सोचते तो मैंने कहा उम्र ही निकल जाएगी, क्योंकि ऋतिक हमेशा बोलता है कि शादी कर लेते हैं ना यार। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, वैसे भी काम करते रहे तो वैसे भी सच उम्र निकल जाएगी। और फिर ऋतिक और मैं मंदिर में जाकर शादी कर ली। बस कुछ ही दोस्त थे और हमने शादी कर ली। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम दोनों एक साथ काम पर आते हैं और एक साथ जाते हैं, ऑफिस में भी एक साथ रहते थे, एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। हमें अपना प्यार जो मिल गया था, एक दूसरे के खुशी के लिए हम दोनों ही सोचते। कभी भी थक जाती तो कभी ऋतिक खाना बना देता था तो कभी मैं बना देती थी। हम दोनों बराबर ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। लेकिन ऑफिस से आने के बाद मानो ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान ही ना हो। मैं थक कर सो जाती थी, ऋतिक मुझे उठाते और खाना भी खिलाते। एक दिन वह कहने लगे, यह अच्छी बात नहीं है प्रीति, तुम हमेशा ऐसे ही सो जाती हो, हमने शादी किस लिए की है। मैंने कहा ठीक है बाबा, मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाती हूँ। वह क्या ना आजकल नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कहने लगा कि ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन हमेशा भी क्या अभी तुम मेरे लिए टाइम ना निकाल पाओ। यहाँ तक कि आजकल हम बातें भी कम कर पाते थे ऑफिस में। मैंने उन्हें बड़े ही प्यार से मनाने का सोचा। मैंने उनका फेवरेट गाउन पहना और उन्हें दिखाया, बस क्या था, इतने में वह मान गए। उन्होंने कहा तुम ना प्रीति, तुम्हें से अच्छे से पता है मुझे कैसे मनाना है। मैंने कहा बस इतनी सी बात थी, चलो फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। हम दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार किया और फिर सो गए। सुबह मैंने जल्दी से दोनों के लिए नाश्ता बनाया और जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। हम दोनों की यह लाइफ थी, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में। एक दिन हम दोनों खाना खाकर लेटे ही थे कि कार्तिक के ऋतिक के पापा का फ़ोन आया। वह कहने लगा बेटा अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, या तो तू यहाँ आ जा या फिर मुझे लेकर चले जाओ। तेरी मम्मी के गुजरने के बाद जैसे ही घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, बाहर जाऊँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऋतिक ने कहा ठीक है पिताजी, मैं आता हूँ आपको लेने के लिए, फ़ोन काट कर कहा। ऋतिक ने मुझे बताया कि पापा ऐसा कह रहे हैं, या तो हमें गाँव में रहना होगा या फिर वह हमारे साथ शहर में रहेंगे। मैंने कहा उन्हें शहर ले आओ, हम काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या। क्या ऋतिक ने कहा ठीक है मैं पापा को जाकर ले आता हूँ, पापा भी अब हमारे साथ रहने लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, घर में कोई रहेगा जो घर को देखेगा। जब मेरे ससुर जी आए तो मैंने उन्हें पानी दिया और खाना सबके लिए टेबल पर लगा दिया। ससुर जी कहने लगे वह ऋतिक बेटा बहू तो तूने बहुत अच्छी लाया है, हर काम में अच्छी है, घर के काम में बाहर के काम में सब में अच्छी है, चल अब मेरी भी चिंता खत्म हो गई। यह कहकर उन्होंने ऋतिक की पीठ थपथपाई। मैंने ससुर जी अभी ज़्यादा उम्र के नहीं थे,
ऋतिक उनके पहले बेटे थे जो 27 साल के थे। मेरे ससुर जी से लगभग 47 साल के थे और दिखने में काफ़ी हट्टे कट्टे थे। मैंने रात को ऋतिक से कहा, ऋतिक ससुर जी इतनी उम्र में भी इतना जवान कैसे दिखते हैं? वह तुमसे भी ज़्यादा से ट्रिंग दिखते हैं या फिर बॉडी बनाई है तुम्हारे पिताजी ने? ऋतिक कहने लगा, हाँ प्रीति, वह क्या है ना, गांव में एक इतना सारा खेत खलियाली है, फिर उन्होंने कुश्ती का भी बहुत शौक था, इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर चले जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है यह सब करना। मैंने कहा, अच्छा है, तभी तो इस उम्र में भी इतनी मस्त बॉडी बना कर रखा है। ससुर जी ने ऋतिक ने कहा, यह तो है। अब मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ और सबके लिए नाश्ता बनाकर खुद जल्दी से नहाकर ऑफिस चली जाती। हम दोनों की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। मेरे ससुर जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, वह किसी भी चीज़ के लिए हमें नहीं टोकते थे। हम बराबर घूमे जाए या फिर लेट से उठे, वह हमें कुछ भी नहीं कहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था हर रोज़ की तरह। हम ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में एक कार स्पीड में आ रही थी और उसने हमें ठोक दिया। मैं पीछे की सीट पे बैठी थी इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ऋतिक को ज़्यादा चोट आ गई थी। वह बिल्कुल भी होश में नहीं थे। किसी तरह से कुछ लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर गई जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत अंदरूनी चोट लगी है। हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लगभग एक हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता रहा और वह ठीक भी हो गए। आज उनका डिस्चार्ज होना था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ऋतिक आज पूरी तरह से ठीक हो तो हो गए, लेकिन यह सुनते ही मैंने कहा, क्या डॉक्टर साहब क्या? लेकिन वह कहने लगे, लेकिन ऋतिक तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है, अभी कुछ सालों तक तुम्हारी ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक तुम अपनी पत्नी के करीब नहीं जा सकोगे, और हाँ आगे चलकर बच्चा भी होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यह सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का लगा कि क्या हम कभी माता पिता बन सकेंगे। हम दोनों यह बात सुनकर परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, हौसला रखो, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ऋतिक ठीक हो जाएगा। मैंने ऋतिक को समझाया, सब ठीक हो जाएगा ऋतिक, भरोसा रखो ईश्वर पर। वह बिल्कुल गुमसुम रहने लगा और मुझसे भी बातें कम करता था, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप ठीक हो जाओगे, भरोसा रखो। हम दोनों वापस से ऑफिस जाने लगे और रोज का यह है हमारा चलता रहा। ससुर जी को हमने बात नहीं बताई थी, लेकिन एक दिन ऋतिक और मैं दोनों रात में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, ऋतिक कई महीने हो गए हैं, इस तरह से कैसे चलेगा? क्या हम कोशिश कर सकते हैं? ऋतिक कहने लगा, ठीक है प्रीति, अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखेंगे। हम दोनों ने जैसे ही कुछ करने के लिए चाहा, ऋतिक बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया। कैसे, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अगर ऐसा था तो मुझे दिलासा क्यों दिया कि तुमसे हो सकता है? इस स्टेज पर लाकर मुझे इस तरह से उकसाकर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे? यह कहकर मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा सुना दिया। ऋतिक चुपचाप थे और चुपचाप सो गए। ससुर जी ने यह बातें सुन ली थी, उन्हें पूरा पता चल गया था कि उस दिन के बाद से हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी हो गई। कोई भी इंसान कहने के लिए कह देता है, लेकिन कितने दिन तक रह सकता है? अब मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन सा आ गया था। मैं ऋतिक से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हर रोज़ की तरह उठना, ऑफिस जाना, सब कुछ करना, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रात होते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है। हमारी शादी को भी 4 महीने हुए थे और यह सब हो गया। मैं सोचती थी कि क्या करें जिससे यह ठीक हो जाए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने सब रखने के लिए कहा था कि जो मुझसे नहीं हो रहा था। ऋतिक की तरफ देखा तो वह बहुत गहरी नींद में सो गए। मैंने कहा, इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है हमारे भविष्य की। मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं बाहर निकल गई और हॉल में टहलने लगी। सोचने लगी, क्या कर सकते हैं, क्या होगा मेरी ज़िंदगी, क्या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? तभी ससुर जी बाहर आए, उन्होंने कहा, क्या तुम बहू तुम सोई नहीं हो? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी ससुर जी इसलिए टहलने लगी। ससुर जी कहने लगे, अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, वैसे हमें भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम भी टहलने के लिए बाहर आ गए। ससुर जी कहने लगे कि एक बात बोलो बहू, आजकल तुम बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हो, मुस्कराना तो जैसे भूल ही गई हो, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, क्या ठीक हो जाएगा ससुर जी? सब कुछ ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए टहलने निकली, और कोई बात नहीं है।